Hi everyone, I'm Rahi and in this video I'm going to discuss with you the solution regarding question number 3, which is on page number 28, class 9, chapter 2. Is matter around us pure? NCERT. So let's have a look on the question first. Question A, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. देखिए हमें ये टेबल दी गई है और हमें कहा गया है कि मतलब प्रज्ञा ने थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस को टेस्ट किया एट थ्री डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और उनके डेटा को कलेक्ट किया. सो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच हैव बीन डिसॉल्व. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हमें दिए गए हैं और इन टेम्परेचर्स के मतलब रिगार्डिंग हमें अमाउंट दिया गया है इन पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व होंगी और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है, तो 283 केल्विन पे 21 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड फॉर एन एग्जांपल कि भाई इस तरह से आप डेटा को देखिए. ओके, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, ए पार्ट पे. व्हाट मास of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin. इस डायग्राम पे आइए, इस टेबल पे आइए. 313 Kelvin है, potassium nitrate है. So 313 Kelvin पे 62 grams of potassium nitrate को अगर हम 100 grams of water में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक saturated solution. हमसे पूछा गया है कि हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होगा टू डिसॉल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें हाफ कर देना है. अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर हमें 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी 31 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, सो सिंस 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3. Therefore, 31 grams of KNO3 is, therefore 31 grams of KNO3 should be dissolved in 50 grams of water to form a saturated to form a saturated solution of KNO3. तो ये बात हुई पार्ट ए की. वी नीड 31 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. वी नीड 31 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू प्रोड्यूस द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन. ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स बी पार्ट की. तो द बी पार्ट इज, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? एक्सप्लेन. ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. ठीक है, और जैसे ही जैसे टेम्परेचर बहुत अच्छे से पहुंच चुका है तो सॉल्युबिलिटी भी अच्छे से अच्छी वाली इंक्रीज कर गई. दैट मीन्स हमें बहुत ज्यादा अमाउंट का सॉल्ट डिसॉल्व करना पड़ गया होगा सॉल्वेंट के अंदर, है ना. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी सॉल्ट की. लेकिन जैसे ही जो इंक्रीज टेम्परेचर है उसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आ गए ना, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे
जितने सॉल्ट को डिसॉल्व होना होगा वाटर में वो उतना तो डिसॉल्व रहेगा, बाकी का जो सॉल्ट होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करो मैंने इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का ही 283 केल्विन पे 35 ग्राम्स ऑफ हमने पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया और 100 ग्राम ऑफ पानी के अंदर इसको मिला दिया और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा हमको लेना पड़ा 35, चलो 293 पे भी 10 केल्विन का इंक्रीज हुआ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हमने लिया 35 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फिर से वो 100 ग्राम्स ऑफ द वाटर में डिसॉल्व हो गया। जैसे ही हम 313 केल्विन पे आते हैं हमको 40 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा ताकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, 40 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा 100 ग्राम्स ऑफ पानी में डिसॉल्व करने के लिए। फिर 333 में हमें 46 ग्राम्स पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा, 353 पे हमें 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेना पड़ा ताकि वो 100 ग्राम्स ऑफ पानी में डिसॉल्व हो सके। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट भी इंक्रीज हो रही है, हमें अपने अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ रहा है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 353 केल्विन पे जब हमने 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लिया, 353 केल्विन पे हमको पोटेशियम क्लोराइड का कितना अमाउंट लेना पड़ा, 54 ग्राम्स लेना पड़ा, और सॉल्वेंट दैट मींस वाटर का कितना अमाउंट था, 100 ग्राम्स। तो 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वॉज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस डेटा से आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट भी इंक्रीज कर रही है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, प्रज्ञा ने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का इन वॉटर एट 353 केल्विन। ठीक है, बना दिया उसने 353 केल्विन पे उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, मतलब कि 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को उसने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर मिलाया 353 केल्विन पे और हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या किया उसने, जो उसने सॉल्यूशन बनाया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो उसने बनाया है 353 केल्विन पे, उसने उसको रख दिया ठंडा होने के लिए, उसको रख दिया। अब जैसे ही वो सॉल्यूशन ठंडा होगा तो क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एट रूम टेम्परेचर, अब उसको ठंडा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 353 से वो अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। एंड व्हाट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इट इज अप्रोक्सीमेटली टू 98 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे ही वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगा, एक तरह से देखिए 293 है तो इस 298 इसके आसपास ही है, 5 डिग्री का फर्क है तो ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो जब वो इस टेम्परेचर पे आ जाएगा 353 से, जो हमने कूल डाउन करने के लिए रख दिया, तो सपोज कीजिए 353 से वो 293 पे आ गया है, पर 293 पे तो हमें 35 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड चाहिए था और हमारा 353 पे हमने कितना ले रखा है, 54 ग्राम्स। तो जब वो 293 केल्विन पे आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तो 54 में से 54 ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट में से 35 ग्राम्स ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड तो डिसॉल्व रहेगा, बिल्कुल एज इट इज डिसॉल्व रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट आउट रह जाएगा तो 54 माइनस 35 इट इज इक्वल्स टू 19 ग्राम्स का फर्क हो गया है। ठीक है, तो 19 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। बात आ गई आपको समझ में, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है। क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको ये लिखना है, व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन कूल्स डाउन एट रूम टेम्परेचर, सम ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, सम ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, या सम ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। बात सेम ही है, मैंने एक लाइन दो बार बोल दी है, आप देख नोटिस कर लीजिएगा। तो क्या लिखूंगी, पोटेशियम क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट
आउट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन अप्रोक्सीमेटली 293 के अप्रोक्सीमेटली होगा। 35 हमें चाहिए था, 54 हमने 353 केल्विन पे हमने 54 ग्राम्स लिया, 293 पे रिक्वायरमेंट थी 35 ग्राम्स की, इट्स अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो 19 ग्राम्स ऑफ केसीएल जो होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन, बाकी 35 ग्राम्स एज इट इज डिसॉल्व रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती थी। मैंने आई फील मैंने आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया ये आंसर एंड आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। वेल अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सी पार्ट पे। सो कमिंग टू द सी पार्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। इट्स वेरी इजी, 293 केल्विन पे हमें हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को देखना है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट 293 केल्विन आर पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम्स एंड अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम्स। ये तो मैंने आपको बता दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। सो 32, 36, 35, 37. सो अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, दैट मीन्स 293 केल्विन। अमोनियम क्लोराइड दैट मीन्स NH4Cl हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन, ठीक है। मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर और यहां पर हम देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है उसका हमें 37 ग्राम्स चाहिए होगा टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो कंपेयर किया जाए पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में, तो अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट है एट 293 केल्विन। Is it okay? So now coming to the D part of the question. So the D part of the question is, what is the effect of change of temperature on the solubility of the salt? It's very easy. ये मैंने आपको बता दिया है. The solubility of the salt increases with temperature. ठीक है? Solubility of the salt. Solubility of the salt. Increases with temperature. ठीक है, so this was all about the question number third solution and I don't think there would be any doubt because मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, but फिर भी अगर कोई doubt हो then please let me know your doubts in the comment box given below and this is Meera Ki saying ya wala, goodbye and take care.